गुरमीत को जेल में नींद नहीं आ रही है। अपने पुराने दिनों को याद कर बाबा बेचैन हो उठे। वो मखमल के गद्दे, 5-स्टार होटल की भांति कमरा, हर वो ऐशो आराम, मगर अब तस्वीर बिल्कुल उलट है। जेल में मखमल के गद्दों की जगह सीमेंट की जमीन ने ले ली है। 5-स्टार कमरे की जगह हवालात में मच्छरों का आतंक है। हाई फाई गाड़ियों में घूमने वाला बाबा अब हवालात की चार दीवारी में कैद होकर रह गया है। सुनारिया जेल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कैदी गुरमीत को कमर दर्द अब ज्यादा बढ़ने लगा है। मखमली गद्दों से अचानक 7x5 फुट के सीमेंट से बने बेड पर आ जाने से सोने में दिक्कत आ रही है। चिंताओं के चलते नींद नहीं आ रही है, इसी के चलते काम भी तय नहीं किया जा सका। बाबा ने जेल के कपड़े नहीं पहने, वो कैप्री और टी शर्ट में ही अप्रूवर सेल में चक्कर लगाता रहता है। अब तो कभी कभी चिल्लाने भी लगा है, मैं यहाँ कैसे रहूंगा। बताया जाता है कि 25 अगस्त को जब जेल से पहले पीटीसी के गेस्ट हाउस ले जाया गया तो बाबा शांत था, लेकिन जैसे ही रात 9:15 बजे उसे जिला जेल के गेट पर लाया गया तो अचानक ही उसकी हवाइयाँ उड़ गई। जेल अधिकारियों से भी पूछने लगा कि यहाँ क्यों लाए हो, कहाँ ले जाओगे। वहीं कैंटीन से एक मिनरल वाटर की बोतल लेकर भी पानी पिया। गुरमीत को लेकर हरियाणा के जेल मंत्री कृष्णलाल ने भी साफ कर दिया है कि रोहतक की सुनारिया जेल में उसे कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है। आम कैदियों की तरह रखा गया है गुरमीत को। पहले कैदियों को खाने में सिर्फ दाल दी जाती थी, लेकिन अब काले छोले, राजमा, 250 ग्राम दूध और 5 रोटियां भी दी जाने लगी हैं। जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश हैं कि सुरक्षा में कोई ढील ना हो। आसाराम की तरह बाबा राम रहीम को भी मान लेना चाहिए कि अब तो जेल की ही रोटी खानी पड़ेगी, ताउम्र जिंदगी जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।